नमस्कार साथियों, आज असम के प्रभारी पूर्व रक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथी चुनाव आयुक्त हम उनसे मिले। किस प्रकार से असम में प्रजातंत्र को पांव तले रोंदा जा रहा है, किस प्रकार से संविधान की हत्या हो रही है, किस प्रकार से पद का दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार से, किस निर्ममता से ब्राइबरी यानी वोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन और भ्रष्टाचार का दुरुपयोग का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सब भी वहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा द्वारा ये सारे तथ्य चुनाव आयोग के सामने रखे गए। हमने चुनाव आयोग से मांग की कि जिस प्रकार से असम में उपचुनाव में वोटरों को प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और जिस प्रकार से वीडियो पर उनके सारे बयानात मुख्यमंत्री के हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ब्राइबरी का मुकदमा दर्ज किया जाए और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर प्रतिबंध लगाया जाए। खास तौर से जितेंद्र सिंह जी ने यह भी याद दिलाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा संविधान और कोड ऑफ कंडक्ट उन दोनों के उल्लंघन में हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। 2 अप्रैल 2021 को भी भारत के चुनाव आयोग ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों को डराने का कुत्सित प्रयास किया था। आज फिर जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया तो वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर, वोटर को डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर एक बार फिर प्रजातंत्र की लालिमा को धूमिल करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसलिए हमारी ये मांग है कि हेमंता बिस्वा शर्मा पर एक बार फिर प्रतिबंध लगाया जाए और हेमंता बिस्वा शर्मा जी पर ब्राइबरी के आरोप में सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में FIR दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने हमारी पूरी बात सुनी, सारे कागजों का अवलोकन किया, वीडियोस का अवलोकन किया, बाकायदा एक नोटिस आज 5 बजे तक उनको जवाब देने को कहा गया है। और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि वो संविधान की परिपाटी, लोकतंत्र की गरिमा और कानून और की जो परंपरा है उसे कायम रखेंगे, और आश्वासन दिया कि उनके जवाब के बाद जो सही कार्रवाई होगी वो करेंगे। मैं अब जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात संक्षिप्त में आपको कहेंगे। असम का प्रशासन, वहाँ की पुलिस, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। वहाँ के नेताओं को डराया जा रहा है, जनता को डराया जा रहा है। मैं आज सुबह ही असम और गोसाई गांव क्षेत्र से आया हूँ, जो एक वेस्ट बंगाल का बॉर्डर के का इलाका है। यहाँ तक कि वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ के सरपंच हैं, वहाँ के जिला परिषद के सदस्य हैं, वो बंगाल में जाके रह रहे हैं। दिन में आते हैं असम और कुछ घंटों बाद उनको वापस बंगाल जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो उनको थ्रेटन कर रही है, उनको धमका रही है, अरेस्ट करने के लिए उनकी बात कर रही है। और पहली बार देखा गया है कि उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन बहुत बार हेमंता बिस्वा शर्मा कर चुके हैं, लेकिन खुले मंचों से कह रहे हैं कि कोई भी दूसरी पार्टी से कोई MLA आता है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो मैं 2,000 करोड़ रुपये दूंगा। पब्लिक मीटिंगों के अंदर महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास अलॉटमेंट होता है, चावल अलॉट हो रहा है, धान अलॉट हो रहा है, रोड बनाने की PWD को और दूसरी एजेंसियों को आदेश, मौखिक आदेश पब्लिक मीटिंग में दिए जा रहे हैं।
कॉलेजेस का ऐलान हो रहा है, चाय बागानों के अंदर 1-1 करोड़ रुपए के रोड बन रहे हैं, इससे बड़ा आचार संहिता उल्लंघन हो नहीं सकता है। इसीलिए आज हम सब लोग चीफ इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं और उनसे हमने निवेदन किया है कि भारत के संविधान को आप बचाएं और हेमंता बिस्व शर्मा को आज ही उनके ऊपर उनको आदेश दें कि वो कैंपेनिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाएं। चुनाव आयोग ने सारी बात सुनी, सारे साक्ष्य और तथ्य देखे। मेरे साथी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब हमने वो सारे वीडियोज ही चुनाव आयोग के सामने रख दिए जिसमें संविधान की परिपाटी का उल्लंघन और ब्राइबरी का ऑफेंस बनता है सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, तो उसके बाद झूठ और सच का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फिर भी नेचुरल जस्टिस के अनुरूप मुख्यमंत्री को नोटिस दिया गया है 5 बजे तक और वो 5 बजे का समय भी पूरा हो गया है। हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इसी चुनाव आयोग ने उन्हें 2 अप्रैल 2021 को दोषी पाया था। अगर एक ही व्यक्ति बार बार अपराध करे, संविधान का अपमान करे, प्रजातंत्र को रौंदे, कानून की परिपाटी का उल्लंघन करे, तो ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में उस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, तभी प्रजातंत्र की सूचिता बच पाएगी। हमें उम्मीद है कि भारत का चुनाव आयोग सही और उचित कानून और तर्क संगत कार्रवाई करेगा। धन्यवाद सर। हेमंत शर्मा जो प्रचार कर रहे हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से भी वीडियोग्राफी होती है सारे प्रचारों की, तो जिस प्रकार से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, क्या चुनाव आयोग सुओ मोटो भी इसमें कार्रवाई कर सकता था? क्या आपकी शिकायत के बाद आप कह रहे हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन क्या वो सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकता था? आदरणीय साथी, हमने बाकायदा जो हमने आपको दरख्वास्त दी है उसमें यह लिखा है कि जो प्रांत के वहाँ के चुनाव अधिकारी हैं उनको 21 तारीख से लगातार शिकायत की जा रही है, पर वो पंगू बने बैठे हैं, या तो वो घबरा गए हैं, या वो डर गए हैं, या किसी प्रलोभन और लालच में आ गए हैं, और इसीलिए फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जितेंद्र जी की अगुवाई में आज हमें भारत के चुनाव आयोग के पास आकर इस प्रकार से संविधान को रौंदने और अपराध करने की, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा, उन सारे तथ्यों को उनके सामने रखना पड़ा। एक सवाल, क्या आप लोगों के शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस दिया है या पहले नोटिस दिया गया? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने दो हमने कंप्लेंट्स की, एक असम में और एक ये कंप्लेंट जिसकी कॉपी भेज रहे हैं, उसके आधार पर बाकायदा हमारी शिकायत का हवाला देते हुए ये नोटिस जारी किया। धन्यवाद।